कैसे हो बच्चों? सब ठीक हो ना? घर पे सब अच्छे से और हेल्दी रहना, ठीक है? हम कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे पाठ 11, खिलौनों का उपहार। हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि मधु के पिताजी ने नटखट बच्चों को बुलाया और समझाया कि खेलो भी और कूदो भी, मजाक भी करो। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। अब इसके आगे क्या है? तो उसके पिताजी ने कहा कि पर ऐसा कोई मजाक या हरकत नहीं करनी चाहिए जिसका किसी पर बुरा प्रभाव पड़े। बुरा प्रभाव पड़े मतलब गलत असर पड़े। डरावने मुखौटे जैसे सांप, बिच्छू आदि खिलौनों से बच्चे डर जाते हैं। उनके मस्तिष्क पर, मस्तिष्क मतलब उनके दिमाग पर बुरा प्रभाव, प्रभाव मतलब असर पड़ता है। मीना ने कहा, आप सही कह रहे हैं चाचा जी, बच्चों को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। मीना भी अपने चाचा जी की बातों से सहमत हुई और मीना ने भी अपनी सहमति दिखाते हुए क्या कहा कि हाँ चाचा जी, आप सही कह रहे हैं, बच्चों को ऐसी हरकतें नहीं करना चाहिए। फिर विनोद क्या बोला? विनोद ने कहा, मुझे बहुत अफसोस है, मैंने तुम्हें डरा दिया। फिर विनोद बोला कि हाँ, मुझे बहुत मतलब पछतावा हो रहा है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने तुमको डरा दिया, मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा है। और उसने फिर क्या कहा कि माफ कर देना बहन। फिर उसने उसको माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी ऐसे डरावने खिलौने नहीं लूंगा। विनोद की बातें सुनकर सभी बच्चों ने उसका समर्थन करते हुए, समर्थन मतलब उसकी सहमति करते हुए, डरावने खिलौने नहीं लेने तथा कोई भी हानिकारक शरारत नहीं करने का संकल्प किया, मतलब निश्चय किया, प्रण किया कि अब हम कभी भी कोई भी डरावने खिलौने नहीं लेंगे। बच्चों के इस संकल्प से मधु के पिताजी प्रसन्न हो गए और बोले। और मधु के पिताजी ने जब अपने बच्चों से ऐसी बातें सुनी कि उन्होंने संकल्प करा है कि वो ऐसे डरावने खिलौने अब नहीं लेंगे, तो वो भी बहुत खुश हो गए और प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने बोला, शाबाश, गलती करने के बाद पश्चाताप करने और माफी मांगने से गलती का प्रायश्चित हो जाता है। उन्होंने बच्चों से क्या कहा? शाबाश, गलती तो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, गलती करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती करके उस गलती का हमको पश्चाताप करना चाहिए और हमको माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि पश्चाताप करने से कोई भी मनुष्य या व्यक्ति या बच्चा छोटा नहीं हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा हमारे अंदर का गुण है और समझदारी की निशानी है। तुम सभी सचमुच बहुत समझदार हो। समझ में आया ना आप सबको? अच्छा पाठ है ना, आप इसको पढ़ना। अब मैं आपको इसके शब्दार्थ समझा देती हूँ। इसके शब्दार्थ देखेंगे सब बच्चे पेज 78 पर। महत्वपूर्ण, जरूरी, प्रवेश, अंदर आना, इंतजार, प्रतीक्षा, भयानक, डरावना, मस्तिष्क, दिमाग, निशानी, पहचान, आनंदित, खुश। सब बच्चे इसको पढ़ना और मैं इसके वाक्य प्रश्न उत्तर आपको आगे के असाइनमेंट में भेजूंगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।